जो उनका अटेम्प्ट के लिए प्री एग्जाम टेस्ट कब तक देना होगा? अनंत, जो आपका प्री टेस्ट होता है वो आपके मेन एग्जाम से पहले कभी भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर वाला वेबिनार कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा? तो इंस्टीट्यूट ने जो है ऑलरेडी अपडेट दे दिया है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। मैं इस यूबी सेशन जो हो रहा है, मतलब जो FAQ होगा, उसके एंड मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेबिनार होने वाला है और ये अभी 3:30 बजे अराउंड होने वाला है। इनका अपना प्लेटफॉर्म होता है, ICSI का अपना प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पे जो भी प्रेजेंटर होंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी जो है, अगर आप अपनी, हाँ अभी रजिस्टर कर सकते हैं, जैस परीख बताया इंस्टीट्यूट ने जो है, आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के लिए, अभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और निकिता जी पूछ रहे हैं कि वेबसाइट में अभी तक कोड ट्रेनिंग का ATP प्रोग्राम दिखा रहा है। वेबसाइट में ओ ट्रेनिंग का ETP प्रोग्राम दिखा रहा, मतलब ऑप्शन रजिस्टर करने के लिए दिखा रहा है या फिर क्या दिखा रहा है? बताएंगे दिकिता क्या दिखा रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, वेबिनार जो है अराउंड 3:30 स्टार्ट हो जाएगा, एंड आई विल बी शेयरिंग द वेबिनार लिंक आफ्टर दिस सेशन, ओके। निकिता जी आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिएगा, जल्दी से लिंक शेयर कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में देता हूँ, जो भी आपके दोस्त हैं जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के अलावा भी अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, सब कोई इशू नहीं, पहले ये टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया है, विदिन 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। ईडीपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओल्ड ट्रेनिंग का ईडीपी, ओके ठीक है निकिता, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। अभी FAQs हम जो पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जैसा आपको पता है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है आज से अप्लीकेबल हो गया है। कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया है, कोई भी ट्रेनिंग, जैसे जो ओल्ड सिलेबस के हैं स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर उन्होंने कभी भी अपना कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया है और अब वो स्टार्ट करते हैं, सो दैट दे डायरेक्टली विल फॉल इनटू द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज जो आज से एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि इसमें जो है 3 टाइप की आपको ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे इंस्टीट्यूट ने बताया है, आपको सबसे पहले जो है 15 डेज की ईडीपी करनी होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये आपको करना होता है। और ये बेसिकली जब आप पास आउट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, देन आपको करना होता है। कोई मुझे बताएगा कि मेरी आवाज़, वीडियो, ऑडियो क्लियर है, कोई बफरिंग तो नहीं हो रहा है? प्लीज कमेंट। हेलो जयंत, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कैन एनीबडी कमेंट? क्लियर, थैंक यू जयस। चलिए ठीक है, सो 15 डेज ईडीपी जो है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में होगा, जिसमें 15 दिनों की जो है क्लासरूम ट्रेनिंग होती है एंड 15 दिनों की मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, जो आपको अटेम्प्ट करना होता है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में। ओके, थैंक यू अंकिता, थैंक यू जयंत, ठीक है। अब 15 दिनों की क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद जो है आपको 15 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग, मतलब आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, एंड कुल मिला के आपको जो है कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो है 21 मंथ्स की जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है आफ्टर कंप्लीशन योर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जब आपका ईडीपी कंप्लीट हो जाता है, आपको जो है ये 20 मंथ्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको लास्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, जब आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाता है, CLDP आपको कंप्लीट करनी होती है, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, CLDP, ठीक है। ये 30 दिनों की, 30 दिनों से ज़्यादा नहीं होगी, अभी इसका जो है फिक्स नहीं दिखाया गया, जैसे इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि फॉर नॉट लेस देन 30 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो अब इंस्टीट्यूट ने CLDP के डेज के बारे में क्लियरिटी नहीं दिया है, स्टार्टिंग से ही नहीं दिया है, ठीक है। इतना बताया गया कि प्रॉबेबली जो है 30 डेज ही होगा, ठीक है, ये होगा आपका प्रोफेशनल के पास आउट के बाद,
ठीक है। सो तीन टाइप की ट्रेनिंग आपको करनी है, इसके अलावा कोई भी ट्रेनिंग आपको नहीं करनी है आपके पूरे सीएस जर्नी में, ठीक है गाइस। इसके अलावा जो है चलिए, सो पहला क्वेश्चन अगर ले लेते हैं कि कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो आज से जो है आपकी न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो जाती है। सो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट इज द ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ ईडीपी अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एज पर द कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट्स। सो द ईडीपी इज अ पीरियड फॉर 30 डेज, जैसे मैं जैसे बताया कि 15 दिनों की ईडीपी जो आपकी क्लासरूम करनी होती है, ये आप जो है सीसीजीआरटी कर सकते हैं, आरओ उसमें कर सकते हैं, चैप्टर में जाके कर सकते हैं। एंड 15 दिनों की जो ई ईडीपी ट्रेनिंग जो होती है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। द स्टूडेंट कैन डू बोथ क्लासरूम मोड ईडीपी एज वेल एज द ई ईडीपी साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे मैंने बताया 15 दिनों की जो ट्रेनिंग है वो आप बेसिकली साथ साथ भी कर सकते हैं, मतलब आप जो है क्लासरूम भी अटेंड कर रहे हैं और ऑनलाइन वाले भी अटेंड कर रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ठीक है। Can I undergo 15 days? ये भी सेम ही बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ऑलरेडी अंडरगो 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम एज पर द अर्लियर मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, शुड आई अगेन अंडरगो द 30 डेज ईटीपी, ठीक है। सो इफ यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, अगर आपको जो है 15 दिनों का जो है एकेडमिक प्रोग्राम, जो अकेडमिक प्रोग्राम होता है, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है, सो उस केस में भी जो है आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, जो मतलब आपको 30 डेज की, जो अगर आप इसमें न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो क्या आपको 30 दिनों की दोबारा करनी होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टीट्यूट बताता है कि द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड दियर 15 डेज अकेडमिक प्रोग्राम अंडर प्रीवियस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और हैव बीन ग्रांटेड एग्जम्पशन their form and switching over to new training structure are exempted to undergo 10 days classroom training EDP under new training structure. However, they are required to complete 15 days EDP EEDP program. मतलब 15 दिनों की जो ट्रेनिंग है, क्लासरूम ट्रेनिंग है, वो नहीं केवल करनी होगी, आपको जो है 15 दिनों की EDP प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा इफ यू हैव ऑलरेडी डन 15 डेज अकेडेमिक प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपके 15 दिन का एकेडमिक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्लासरूम वाली नहीं करनी है, जो ऑनलाइन ईडीपी है वो वाली आपको करनी है, ठीक है, अगर आप न्यू में आते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ डू आई क्लेम द बेनिफिट ऑफ 15 डेज क्लासरूम बेस्ड ईडीपी इन ऑफ 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम अंडर मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो कई स्टूडेंट ऑलरेडी जो है एकेडमिक प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो वो कैसे क्लेम कर पाएंगे अपने क्लासरूम ट्रेनिंग जो ईडीपी हुआ, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट सिंपल से ये बताता है कि आपको अपने जो 15 दिनों का एकेडमिक प्रोग्राम का सर्टिफिकेट आपको जो मिला होगा, आपको वो ट्रेनिंग वाले पोर्टल में अपलोड करना होगा। सो आपको जो क्लासरूम ट्रेनिंग और 15 डेज की जो एकेडमिक प्रोग्राम है, दोनों जो है इक्वल माना जाएगा, ठीक है। देन आप जो है नेक्स्ट जो ईडीपी है 15 दिनों की, वो कर पाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग। हाउ टू रजिस्टर एंड अंडरगो ईडीपी, ठीक है, ईडीपी के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? द इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च ईडीपी थ्रू इट्स ई लर्निंग पोर्टल व्हिच वर्क्स ऑन एनी टाइम एनीवेयर बेसिस, ठीक है। द इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू ई लर्निंग आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट। सो ई लर्निंग वाला जो पोर्टल है, ठीक है, वहां पर जाकर अलग सा जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको अलग सा ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, कभी भी किसी टाइम भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हाउ मच इज द फीस फॉर ईडीपी, ठीक है। सो फी ईडीपी के लिए जो है 2000 रुपये की फीस जो है इंस्टीट्यूट ने बताया है। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एज पर द न्यू रेगुलेशन। सो 21st मंथ की जो है, मतलब 21 महीनों की आपकी ये ट्रेनिंग रहेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो रहती है, ठीक है। आफ्टर 31st of February 2021 कैन आई इमिडिएटली स्टार्ट माई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एज पर द कंपनी, ठीक है। सो आज के बाद या आज डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन किया गया है। सो इसका आंसर है, द स्टूडेंट कैन स्टार्ट दियर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 1 month ईटीपी, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब आप अपनी ईडीपी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी ईडीपी जो है 30 दिनों की जो ईडीपी है, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे, देन जो है आपको आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लीव्स आर अलाउड इन 21 मंथ्स ट्रेनिंग अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो कितने
लीव्स आपको अलाउ होंगी। सो एज पर द गाइडलाइंस आर टोटल नंबर ऑफ 52 लीव्स आर अलाउड इन 21 मंथ्स। केवल 52 लीव्स, 52 ही लीव्स आपको अलाउड होंगी पूरे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये बेसिकली जो है आपको इंस्टीट्यूट ने केवल मतलब 52 जो लीव दी हैं ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट को केवल चाहिए कि 21 मंथ्स में जितने डेज होते हैं माइनस 52, ठीक है। सो 21 मंथ्स माइनस 52 इज इक्वल टू जितना भी वर्क होता है इंस्टीट्यूट को वो देखना चाहिए। रेस्ट आपने जो है कितने भी लीव्स ली है, कहाँ पर ली है, डजंट मैटर, बट लीव को आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने लीव भी ली, ठीक है, वो भी दिखाना होता है। बट ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब एक हफ्ते का, दो हफ्ते का, एक साथ आप ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनर, आपके ट्रेनर पर डिपेंड करता है, ठीक है। हफ्ते में आपको एक लेना है, हफ्ते में दो लेना है, बट टोटल मिला के 52 ही लीव आप अलाउड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर कर लोगे कि जो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में होता है कि अगर आपने 52 लीव से ज्यादा ले ली है, ठीक है, तो 52 लीव के बाद क्या होगा, होगा ऐसा सच कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट को केवल इतना चाहिए कि जो जो 20 मंथ्स ट्रेनिंग है, या फिर अगर ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कर रहे हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कर रहे होंगे, ठीक है। सो अगर आप अगर उस हिसाब से कर रहे हैं और आपने 52 दिन की लीव जो है से ज्यादा ले लिया, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। जो आपकी ट्रेनिंग है माइनस 52 और इज इक्वल टू जितने आप लीव ली है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग इज इक्वल टू जितने लीव, जितना आपका बच जाता है उतना टोटल वर्क आपको इंस्टीट्यूट को देखना होता है। जैसे 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, और 2 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है, 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। सो जितने लीव आपने लिया है उसको माइनस करके आपको वर्क दिखाना पड़ता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। लास्ट में जो है सभी क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डू द स्टूडेंट आर ऑलरेडी अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन द ऑर्डिनेंस विद द प्रोविजन ऑफ अर्लियर एंड मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड टू स्विच ओवर टू न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ऑलरेडी जो है अर्ली ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या उनको न्यू में ट्रेनिंग की जरूरत, न्यू जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें स्विच ओवर करने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। स्पेन स्टूडियो बताता है कि स्टूडेंट हु इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अर्ली ट्रेनिंग स्ट्रक्चर मे कंटिन्यू एंड कम्प्लीट द ट्रेनिंग इन अकॉर्डेंस विद द सेट स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड एज सच स्टूडेंट एट द डिस्ट्रिक्शन में स्विच ओवर द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अंडर सीएस, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं अर्ली ट्रेनिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में, सो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, यू नीड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग, ठीक है। देन इन दैट केस यू डोंट नीड टू चेंज योर ट्रेनिंग फ्रॉम ओल्ड एंड न्यू टू मॉडिफाइड टू न्यू, ठीक है। सो ये तो पहले भी अपडेट आया था कि अगर आप थर्ड ऑफ फैब से जो है पहले कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो वो उसी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में अप्लीकेबल होगा, न्यू में नहीं होगा। बट अगर आप आज की बात करेंगे तो आपके लिए कोई भी अप्लीकेबल रही होगी इससे पहले, वो अप्लीकेबल नहीं होगी, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये मैं कई बार भी पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। देन registered as CS executive in 2014 but not yet started any training. Will the training structure? So will the new training structure be applicable to me? क्या उस CS student के लिए जो है training new training structure applicable होगा कि नहीं होगा, ठीक है। So student who irrespective of the date of his registration to executive program or professional program has not commenced his or her training within the period as the prescribed in notification 3rd of August 2020, which was extended up to 2nd of Feb 2021, shall be compulsory be switched over to new training structure under new regulation, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास आप स्ट्रक्चर ही अप्लीकेबल होगी, ठीक है, आप अगर ओल्ड में रहे होंगे, मॉडिफाई में रहे होंगे, तो वो अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही अप्लीकेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, आई एम एस सी एस एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट कम्प्लीटेड 06 मंथ ऑफ द ट्रेनिंग आउट ऑफ 15 मंथ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एंड डिसकंटिन्यू द सेम, कैन आई कम्प्लीट माई बैलेंस इन ट्रेनिंग इन ऑफ 9 मंथ्स इन प्रीवियस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आई नीड टू रजिस्टर अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो किसी स्टूडेंट का अगर 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, 15 महीने की ट्रेनिंग अप्लीकेबल थी और उसने जो है बेसिकली जो है प्रीवियस ट्रेनिंग में कर सकता है या फिर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा, न्यू
9 months की ट्रेनिंग के लिए। सो इस पे इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि ऑन और आफ्टर थर्ड ऑफ फेब यू आर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू योर बैलेंसिंग ट्रेनिंग अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एज पर द कंप्लीट, बट यू हैव टू कंप्लीट 1 month ETP प्रायर टू स्टार्टिंग द बैलेंस ट्रेनिंग। ठीक है, सपोज अगर किसी भी स्टूडेंट का 15 महीने की ट्रेनिंग अगर चल रही है, ठीक है, और उन्होंने जो है 6 month की ट्रेनिंग कंप्लीट किया है और अभी डिसकंटिन्यू है, मतलब 6 month की कंप्लीट करके अभी डिसकंटिन्यू है, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 9 months ट्रेनिंग, ठीक है, और इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि अगर वो 9 months की ट्रेनिंग आपको अब करनी है, अभी आप जो है मतलब वो दूसरे ट्रेनिंग में जाएंगे या फिर सेम में जाएंगे अपना जो है ट्रेनिंग 9 month की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, उनको जो है जो 9 month की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, वो उनको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करनी होगी। और न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में क्या बोला गया है कि पहले उनको ईडीपी करनी होगी, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ कि अगर आप 15 महीने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिसमें से 6 month की ट्रेनिंग को करके आपको डिसकंटिन्यू किया है, मतलब 6 month कर दिया है और उसको अभी डिसकंटिन्यू किया, वो कंटिन्यू नहीं है। दो क्वेश्चन है कि एक आप जो है कंटिन्यू कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि अपने वो ट्रेनिंग के हिसाब से कंटिन्यू कर लीजिएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 6 month या कितने भी मंथ आपने कंटिन्यू मतलब ट्रेनिंग किया है लेकिन अभी अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 3rd of Feb को आप वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू हो गया है, ठीक है। सो जो 9 month की ट्रेनिंग है, जितने मंथ की ट्रेनिंग है उसको आप अगर आप आगे करते हैं, कुछ समय की बात करते हैं, तो तब जो है आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, और न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा तो आपको ईडीपी ट्रेनिंग 1 month की जो ईडीपी ट्रेनिंग है वो पहले कंप्लीट करनी होगी, देन आपको जो है आपकी बैलेंस ट्रेनिंग जो जितनी भी बची हुई ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी होगी। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, इफ आई क्लियर माई प्रोफेशनल प्रोग्राम एग्जामिनेशन इन फेब 2021 कैन आई बी अलाउड टू अंडरगो फॉर 12 months ट्रेनिंग अंडर एज पर द मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में क्या होता था कि अगर आपने प्रोफेशनल प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको 12 months की ट्रेनिंग करनी होती है केवल, ठीक है, मॉडिफाई में था। सो स्टूडेंट अब नहीं कर पाएंगे, आपको आपके लिए जैसे बताया है कि अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है और आप वो आपके अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है अब स्टार्ट करते हैं तो आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही एप्लीकेबल होगी, ठीक है। विच ऑल एंटिटीज आर एलिजिबल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, सो इंस्टीट्यूट ने जो है द टाइप्स ऑफ वेरियस एंटिटी एलिजिबल, ठीक है, मैं ये लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो इंटाइटल या ट्रेनिंग बॉडीज हैं जिनके अंडर आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, इसका लिंक में जो है कमेंट में दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इंटाइटल्स जो है आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं या दे रहे हैं, ठीक है, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बेसिकली। What is the time limit provided by institute for submitting training related document under new training structure as per the company new regulation? The time limit for submission of training contract appointment letter is 100 date of commencement joining of their training. So 100 दिनों के अंदर जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट को बताना होता है कि आप अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, 100 दिनों में, 100 days में, ठीक है। Any delay in a training registration with the institute which is more than 100 days will be considered as dummy training and training of such conditions will not be considered by the institute, ठीक है। अगर आप 100 दिनों के बाद जो है ट्रेनिंग 100 दिनों के बाद इंस्टीट्यूट को बताते हैं कि they have started their training, so institute उस ट्रेनिंग को consider नहीं करेगा, ठीक है। So 100 दिन के अंदर जो है आपको इंस्टीट्यूट को बताना होता है, बताना होगा कि आप अपनी ट्रेनिंग जो है किसी ट्रेनर के किसी CS के अंदर कर रहे हैं, किसी कंपनी में कर रहे हैं, ठीक है, किसी PCS के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है PCS के अंदर, और अपॉइंटमेंट लेटर होता है आपके कंपनी के अंदर, किसी कंपनी के अंदर आप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, 100 दिनों के अंदर। इसके अलावा व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड पेबल टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एज पर द न्यू रेगुलेशन। सो मिनिमम स्टाइपन क्या रहेगा, इसमें इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि मिनिमम जो स्टाइपन रहेगा
पीसीएस के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो 3,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। एंड अगर आप किसी कंपनी या अदर एंटिटीज के अंदर करते हैं तो 4,000 रुपये पर मंथ। हावर द स्टिपेंडी हैज टू बी पेड थ्रू चेक्स एंड ऑनलाइन ट्रांसफर ओनली, ठीक है। सो ये इंस्टीट्यूट ने कंपनी को भी बताया होगा और पीसीएस को भी बताया होगा कि ये मिनिमम है, मैक्सिमम जो है अब डिपेंड करता है पीसीएस एंड कंपनी के अंदर, और चेक्स के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर डायरेक्टली बैंक अकाउंट के थ्रू ही आपको अपना अमाउंट और जो स्टाइपेंड होता है वो दिया जाए। व्हाट आर द वर्किंग आवर्स अंडरगोइंग फैक्टर ट्रेनिंग इन द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर? द कैंडिडेट अंडरगोइंग फैक्टर ट्रेनिंग शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल आवर्स व्हिच इज शैल नॉट बी लेस देन 8 आवर्स एंड इन अ डे फॉर 5 डेज और 40 आवर्स इन अ वीक फॉर द टोटल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। 5 दिन जो है मिनिमम होना चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन, 8 घंटे से कम भी नहीं होना चाहिए और 5 दिन से कम नहीं होना चाहिए। दैट इज 5 वीक्स अटेंड होना चाहिए और 8 घंटे होना चाहिए मैक्सिमम, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनर या अटेंड डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाउ मेनी ट्रांसफर आर अलाउड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20 मंथ्स ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल, ठीक है। सो ओनली टू, मैक्सिमम टू ट्रांसफर शैल बी परमिटेड ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरिंग, ये पहले भी था कि आप केवल 2 ट्रांसफर ले सकते हैं, ठीक है। 2 ट्रांसफर आप मतलब सपोज एक कंपनी में कर रहे हैं, एक कंपनी से जो है दूसरी कंपनी में और दूसरे से तीसरी कंपनी में, या फिर एक पीसीएस से दूसरे और दूसरे से तीसरे। सो केवल अपने पूरे सीएस प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है 3 कंपनी या फिर 3 सीएस के अंदर जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वट इज द एलिजिबिलिटी फॉर सी एस प्रैक्टिकल कंपनी टू इंगेज ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग के लिए है, इसमें बात नहीं करेंगे अभी। फॉर टेकिंग ट्रांसफर फॉर वन, ठीक है। सो एक एक ट्रेनर से दूसरे ट्रेनर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रोसीजर है, या फिर एक पी सी एस से एक कंपनी से दूसरे कंपनी में क्या आप कैसे जो है ट्रांसफर ले सकते हैं? सो स्टूडेंट हैज टू गिव अ नोटिस ऑफ मिनिमम 15 डेज वर्किंग डेज ऑफ हिज ट्रेनर टू राइटिंग बाई गिविंग द रीजन फॉर द सेम, ठीक है। आपको एक जो है नोटिस देना होगा 45 दिन से पहले, ठीक है, 45 वर्किंग डेज से पहले आपको अपने ट्रेनर को कंपनी को लेटर मस्ट बी हैंडेड ओवर पर्सनली अगेंस्ट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट रिसीव। इट कैन ऑल्सो बी सेंड बाय द स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। आपको उसमें रीजन लिखना पड़ेगा वाई आर लाइक आप रिजाइन क्यों कर रहे हैं, आप छोड़ क्यों रहे हैं, वो लिखना पड़ेगा। और ये स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हैंडेड ओवर भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं अपने ट्रेनर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं कि व्हेन टू सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी होती है और कब करेंगे? अ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर गाइडेंस ऑफ हिज ट्रेनर सबमिटेड टू रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग पोर्टल है। हाउ द ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ कॉर्पोरेट लीव, बट ओके सीएलडीपी के टाइम पे द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शैल बी असेस्ड बाय द पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट एंड टाइम सीएलडीपी एक्सपर्ट शैल बी मेड थ्रू द 5 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। सो जब भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और ये उस टाइम भी आप सबमिट कर सकते हैं जब आपकी सीएलडीपी की ट्रेनिंग चल रही हो, मतलब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में होंगे। ऑब्वियस ही बात है जब आपका एग्जीक्यूटिव कंप्लीट होगा तब आप जो है ये 20 मंथ्स वाली ट्रेनिंग करेंगे। 20 मंथ्स वाली ट्रेनिंग जब आप करेंगे जब आपकी प्रोफेशनल प्रोग्राम की स्टार्टिंग में होगा, मतलब जब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे होंगे, और सीएलडीपी जो है जब आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब प्रोफेशनल प्रोग्राम जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो सीएलडीपी आपको करना होता है। तो सीएलडीपी के करने के टाइम पे भी आप जो है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, और सीएलडीपी कंप्लीट हो जाती है तो भी सीएलडीपी का भी आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग क्वार्टरली रिपोर्ट? तो सब कुछ ऑनलाइन ही है, ठीक है। जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, जैसे आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट जो है कंप्लीट हो जाती है, उसके नेक्स्ट मतलब 30 दिनों का टाइम दिया जाता है, तो आपको 30 दिनों के अंदर वो सबमिट करनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ क्वालिफाइंग द वाया वॉइस, ठीक है, भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन डू आई अप्लाई ट्रेनिंग एग्जम्पशन, ये इसके अलावा भी ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई एम अंडर ओल्ड न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, नीड टू अप्लाई एग्जम्पशन फ्रॉम ट्रेनिंग 2nd of February व्हिच इज गाइड विल बी एप्लीकेबल टू मी, ऑलरेडी अप्लाई फॉर द एग्जम्पशन, ठीक है। सो एक बात जो है क्लियर है, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग आपके लिए अप्लीकेबल रही होगी इससे पहले। सो
कोई भी ट्रेनिंग अप्लीकेबल रही होगी। अभी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में भी करना से ही कर पाएंगे, वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सो ये सभी था जो मुझे लगा था कि जो है आप सभी को बताना चाहिए था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था, अभी वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के रिलेटेड ट्रेनिंग शो हो रहा है, ईडीपी ट्रेनिंग सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ई लर्निंग जो पोर्टल है वहां पे हो, ई लर्निंग वाले जो पोर्टल पे होगा वहां पे आपको ईडीपी वाला सेक्शन मिलेगा। निकिता का भी आई थिंक सेम क्वेश्चन था। हाँ, आपको अभी वहां पे अपडेट नहीं होगा, जो ट्रेनिंग का जो पोर्टल है वहां पे नहीं है। आप जो है जो ई लर्निंग वाला पोर्टल है वहां पे आपको अलग सेशन दिख जाएगा, ऐसा इंस्टीट्यूट का कहना है। रेस्ट जो है जब मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ फिर आपको कमेंट में बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट अभी अभी के लिए आप चेक कर सकते हैं। आई एम ए प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट विदाउट कम्प्लीटिंग ईटीपी ट्रेनिंग, आई वॉन्ट एबल टू सिट फॉर जून 2020 एग्जाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग जो है आप प्रोफेशनल के हैं एंड विदाउट कम्प्लीटिंग एबल टू सिट फॉर जून 2020, नहीं ऐसा बेसिकली नहीं इंस्टीट्यूट ने कहीं पे डिनोट किया है, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए ये बताया है कि अगर आप 21 मंथ्स वाली ट्रेनिंग करेंगे तो उसके लिए आपको 30 डेज की ईटीपी कंप्लीट करनी होगी। लेकिन आपका क्वेश्चन है एम आई ए प्रोफेशनल, आई एम ए प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट विदाउट कंप्लीटिंग ईटीपी ट्रेनिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इंस्टीट्यूट ने बेसिकली ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पहले ऐसा था, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है। बाकी अब एक क्लैरिफाई के लिए आप e/training@icsi.edu पे मेल कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन आपको मेल रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। प्रीति, सॉरी पूजा सिंह, प्रीति खंडेलवाल जी कहते हैं कंपनी में अप्लाई करने के लिए कंपनी को क्या सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी के लिए तो आपको आई थिंक इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू से जो है आप सिलेक्शन हो जाता है, आपको सिलेक्शन करके आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, देन वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको ट्रेनिंग वाले पोर्टल पर अपडेट करना होता है, ठीक है। कंपनी का सच कुछ नहीं देना होता है, ठीक है। प्रीति, कैन आई डू माई ईडीपी एंड 20 मंथ्स सीएलडीपी आफ्टर क्लियरिंग सीएस प्रोफेशनल एग्जाम। देखो यही चीज मैं दोबारा बता रहा था, चंद्र साई कुमार, ठीक है, यही चीज बता रहा था कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं मेंशन किया है कि आपको जो है मतलब एग्जाम और ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली करेंगे, या फिर अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ट्रेनिंग में अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये क्लैरिटी नहीं दिया है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि क्लैरिफाई के लिए जो है आप जो ट्रेनिंग है वेबिनार की, जो ट्रेनिंग होने वाली जो वेबिनार होने वाला है ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, इसका मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। इस लिंक पे जाकर आप 3:30 बजे अराउंड जो है अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप अपने डायरेक्टली जो है एग्जाम देते हैं तो एग्जाम आप देते रह सकते हैं, ठीक है। चंद्र साई कुमार जैसा आप कह रहे हैं, यस मेरे हिसाब से यस है, आप कर सकते हैं अपनी ईडीपी 20 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और वेबिनार जो लिंक है, मैं वेबिनार के लिंक जो है यहाँ पे देता हूँ। यो वेलकम साई कुमार एंड ऋषभ लाल कुमार लाल, मैंने ओ ट्रेनिंग में 10 10 डेज एकेडमिक प्रोग्राम लिया है, तो न्यू ट्रेनिंग में मुझे उसका एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन 10 दिन का नहीं मिल पाएगा ऋषभ, आपको अगर 15 दिन की अगर आपने एकेडमिक प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा क्लासरूम वाले ईडीपी में, सॉरी, ठीक है, 10 डेज वाले में एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगा। सपोज दैट आपने 15 दिनों की एकेडमिक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, अभी मैं उसमें बता ही रहा था, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से रहे होंगे तो ऋषभ मैं आपको वही बता रहा था कि अगर आपने 15 दिन की एकेडमिक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, अगर वो आपने पहले किया है या फिर ऑनलाइन के थ्रू किया है, ठीक है, तो वो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जो है क्लासरूम वाले में सेट हो जाएगा, ठीक है। और रेस्ट जो 15 डेज की ईडीपी है या फिर ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है वो आपको कंप्लीट करनी होगी, बट ये केवल आपने 10 दिन किए ये नहीं हो पाए, ठीक है। और इसके अलावा तो जो है हमारे साथ कोई जुड़े नहीं है, ठीक
चलिए, कोई इश्यू नहीं गाइस, ये वीडियो भी अपडेट होगा इसी चैनल पे, जो है आप बने रहेगा, मैं अपलोड भी करूँगा इसी चैनल पे। एंड वेबिनार का लिंक भी मैंने दे दिया है आज ही, बेसिकली जो है 3:30 PM पे आप इंस्टीट्यूट से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी अपने सवाल रखिएगा और आपको जो है बेहतर हेल्प मिल पाएगी। ठीक है गाइस, चलिए। सो अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हैं, सो गाइस लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ऐसा अपडेट जो है इंस्टेंटली अपडेट, जो मुझे लगता है कि ऑन लाइव जाके देना हो मतलब सही है, लाइव जाके देना सही है। सो मैं डायरेक्टली लाइव आता हूँ, रेस्ट जो है मैं वीडियो बना के, न्यू अपडेट बना करके आपको देता हूँ। इसके अलावा जो है कोई भी और क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए सभी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।